ओढ़ी कांग्रेस, जिनको अब घर में बैठना चाहिए अल्लाह अल्लाह करते हैं। हमारे जाने के बाद वो बोलेंगे दो तीन जीत गए तो क्या होगा मजलिस के। अरे तुम्हारे पास जितने विधायक बैठे हुए हैं, तुम जीएमएम की तायीद कर रहे हो और दोनों बच्चों को सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। मीडिया ने लिखा कि मुदस्सिर ने इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया तो गोली मार दिए। क्या कांग्रेस पार्टी में मौजूद जो विधायक हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, आपने अब तक उन पुलिस के अहदेदारों को सस्पेंड क्यों नहीं करवाया? आपने अब तक उन पुलिस के अहदेदारों को गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? हम रांची पहुंचे तो इनका एक विधायक बोलता है कि वो इसी को आने नहीं देंगे। अरे क्या झारखंड तुम्हारे बाप का है? आने नहीं देंगे? आए हिम्मत है तो आओ सामने आके रोक के दिखाओ देखते हैं। मैं मौत से कभी डरा ना कभी डरूंगा इंशाल्लाह। खाली बस टीवी कैमरे के सामने आने नहीं देंगे, जो नहीं करने देंगे। याद रखो हम किसी से डरने वाले नहीं है सिवाय रब्बे करीम के। और कांग्रेसियों तुम में अगर गीरत बाकी है तो गिरफ्तार करो उन लोगों को जिन्होंने मुदस्सिर की जान ली। अगर इंसानियत जिंदा है तो बताओ तुम इंसाफ के लिए क्या करोगे। मगर आज हम आए हैं तो हमारे जाने के बाद ये शुरू कर देंगे, ए ओवैसी की बात में नहीं आना। ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, मैं जज्बाती नहीं सच्चाई को बयान करता हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह। होता जिस दिन कांग्रेस पार्टी खत्म होगी भारत में, उस दिन नरेंद्र मोदी इलेक्शन हार जाएंगे। अगर कोई भाजपा को मोदी को जिता रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। ये कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि इनके लीडर को दिल्ली में ईडी बुलाती है तो 100 लोग दिल्ली में जमा नहीं कर सकते। ये 100 लोग को जमा नहीं कर सकते।